तो पहला क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग का सबसे पहले ये इसको बोलते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन अगर क्या बोलते हैं इसको, बोर्ड मार्क्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बोर्ड मार्क्स। बोर्ड मार्क्स में जो नियम होता है सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला, तो यहाँ पे ब्रैकेट हमारे पास यहाँ हो रहा है, तो इसमें इसका डिफरेंस कितना जा रहा है मेरे पास? आठ का, और आठ से भगा देंगे कितना होगा? तीन बार में, तीन में घटाएंगे पाँच से कितना होगा? दो में घटाएंगे छः कितना होगा? ठीक। उसी प्रकार से इसको भी जो करने सिखाए थे, कैसे करने सिखाए थे कि इसका मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, भागा हो जाएगा। जैसे इसको काटोगे ये तो कट जाएगा ना, जैसे इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा और यहाँ क्या दे देगा? सौ दे देगा। क्या दे देगा? सौ दे देगा। सौ देने के बाद पी, यानी हम लोग का पी का मान हमारे पास सौ है, यानी जाहिर सी बात है कि पी का मान क्या होगा? रूट अंडर हंड्रेड इक्वल टू टेन। फिर ये हमारे पास हो जाएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन है हमारे पास, वन बाई इतना है हमारे पास, तो क्या करेंगे? एक हजार एक सौ बाई क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा पच्चीस। फिर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, आराम से मल्टीप्लाई कर लो, फिर पॉइंट को हम लोग काउंटिंग कर लेंगे। तो पंद्रह चार साठ हो गया, और पंद्रह पच्चे पचहत्तर और छः इक्यासी, और पॉइंट कितना के बाद? टोटल चार और एक पाँच घर के बाद, वन टू थ्री फोर कितना हो गया? चार एक पाँच, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद इसको क्या करेंगे हम लोग? ये तो वही हो जाएगा, यहाँ देखो ध्यान से, ये छः का छः हो जाएगा, ये छः और ये छः आपस में क्या कट जाएगा, और यहाँ माइनस वन बचेगा, ये माइनस वन बचेगा, और ये कर लिए इसको अन्ना दोस्त। अब इसको करना है यहाँ से, ये तीन तीन क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी तीन तीन कितना हो जाएगा? नाइन हो जाएगा, और नौ पचे कितना हो जाएगा? ये पैंतालीस हो जाएगा। तो पचास ये घटे कितना हो जाएगा? चौवालीस, और ये माइनस हो गया, ये जुड़ जाएगा कितना? छियालीस, छियालीस में इलेवन घटा दो कितना हो जाएगा? माइनस पैंतीस, ये आंसर ये से बन जाएगा। कोई डाउट है तो बाद में पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं हम ग्राफ से, यहाँ पर दूसरी क्या है, जो पहला काम यहाँ पर तीन पंद्रह पैंतालीस, और पंद्रह घटाएंगे पच्चीस, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? कितना नंबर है? बीस, और बीस से डिवाइड किए चार से कितना हो जाएगा? चार पंच बीस हो जाएगा, और ये सात से कर तो थर्टी एटी छप्पन, ये मल्टीप्लाई आठ पॉइंट चालीस नहीं घुमाया, ठीक है, बात भगा पांच नहीं है, ये सात क्या हो गया? आठ आया पूरा, ठीक है, हाँ देख रहा है, ठीक है, ठीक है। अब इसको देख लो, अब दूसरे देखा तुम, अब चार तीन कितना हो गया? सात हो गया, तो माइनस सात में गया पांच, तो क्या बचा? माइनस दो बचा, माइनस दो में जो माइनस दो हुआ अंदर, माइनस दो और माइनस दो प्लस दो हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस दो और छः, और ठीक है ना, चार तीन सात में माइनस सात में गया पाँच, तो माइनस दो और ये छः, और कितना हो जाएगा? प्लस आठ में जाएगा पाँच, तो तीन, और तीन में घटेगा दस, नीचे पड़ा कहीं पर क्या नीचे पड़ा होगा, चेक करके कोई दिक्कत नहीं है। तो सेवन में गया फाइव, माइनस टू, माइनस और ये माइनस, प्लस ये हो गया एट, एट में गया फाइव, हाँ माइनस थ्री, माइनस थ्री और ये थ्री प्लस थर्टीन, ठीक है, माइनस थ्री और तेरह कितना बोला? थर्टीन आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये भी शुरू हम लोग यहाँ से करेंगे, तो पाँच सत्तर पैंतीस, अब सात में घटाओ पचपन में सात माइनस करो कितना हो जाएगा? ये भी फटाफट बता दो, पैंतालीस बोलता, पैंतालीस बता, फोर्टी एट, फोर्टी एट ये कट जाएगा सोलह से, और ये कट जाएगा अठारह छः, और छः सोलह का कितना होता है? ठीक है, ये सारा जो ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, ये तो सारा ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कितना सिंपल लग रहा है, इसको कहाँ शुरू करेंगे? यहाँ से कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? सत्रह, अब सबको जोड़ो फटाफट, अठारह एक उन्नीस, सात आठ एक नौ हुआ ना, नौ और एक नाइन, तो माइनस, ठीक है, माइनस छः और माइनस फोर, माइनस फोर्टीन, माइनस फोर्टीन और प्लस, तो प्लस फोर्टीन और फोर, तो टेन है। ठीक है, बहुत बढ़िया था, किसी को डाउट है कोई भी कहीं पर तो पूछो जल्दी से फटाफट, इसमें किसी को डाउट है क्या? तो ठीक है, इसको इजी से हम लोग कर सकते हैं, कभी मल्टीप्लाई पूछेगा तो भूल के ही पहले पॉइंट में घटाना, डायरेक्टली इसको गुना कर लोगे और फिर पॉइंट को काउंट कर दोगे, बहुत इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आता है,
ये वाला क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आता है, ये वाला। ठीक है, तो समझा रखना है, इसको ऊपर ऊपर ही डिवाइड कर लेना है और चीज का मतलब रूट एंड रोस को ले लेना है। बहुत बेहतरीन होगा। किसी प्रकार मुझे बोले पढ़ दो बाबू, कुछ पूछना है क्या? सर चार नंबर का क्या किया सर? चार नंबर का ये हम लोग को पॉइंट छोड़ के मान लो 54 हो गया, ये 15 से मल्टीप्लाई कर लेगा तो आएगा 810। 810 के बाद पॉइंटिंग करो, कितना घर के बाद पॉइंट है? यहाँ पे चार और यहाँ पे एक, टोटल हो गया 5। तो 5 घर के बाद तुम्हें पॉइंट लगा देना। जी ठीक है। सर हाँ सर, एक नंबर का थोड़ा समझा दीजिए। एक नंबर, एक नंबर में क्या तुमको डाउट हुआ? एक नंबर में क्या डाउट हुआ? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा देर पहले क्या बताए थे कि यहाँ पे जैसे ही डिवाइड का क्वेश्चन है, कहने का मतलब है कि यहाँ ऑलरेडी 2 जीरो है डिवाइड में और 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो पॉइंट कहाँ चल जाएगा? जल्दी बताओ पॉइंट कहाँ चल जाएगा? अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं, मान कुछ तो नहीं आता है, ऐसे तोड़ेगा, एक तो पहले से है और एक पॉइंट हटाएगा, 1 जीरो और बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि पॉइंट जो होगा 3 घर के बाद होगा। पहले वहां से शुरू करेंगे, तो यहाँ करते हैं हम लोग। कितना हो रहा है? कितना बच रहा है? 2 और 2 दिन कितना हो गया? 4। तो सुन रहे, 2 दिन कितना हो गया? 4 और 4 को डिवाइड करेंगे 4 से, डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा, मिस्टेक हो गया। लकड़ी 2 कर लिए, अब इसको डिवाइड करना होगा, ये 2 से तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कट जाएगा, अब 5 में चला गया, ये बच गया हम लोग का 15। कितना बच गया? 15 बच गया, तो 15 जैसे ही बच गया दोनों का डिफरेंस, तो 15 और 15 कितना हो गया? ज्यादा हो गया, 225। 225 में कितना घटेगा हमारे पास? ये कितना बन गया? 15 15 माइनस 225। 225 में घटाओ 26, कितना होगा? 199। बोल रहे 199 में क्या करोगे? फिर घटाएगा 10, तो 100। मन का किधर है? ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो लोग यहाँ भी आते हैं उसी प्रकार से कितना हो गया? 16 हो गया, 16 कटेगा 11 बार में, कट गया, माइनस कर लो फटाफट, तो 5 में गया 1 50 4, 2 में गया 14। यहाँ भी डिवाइड होगा क्या? यहाँ घटा कितना होगा? अरे घटा और बोलो, यहाँ कितना होगा? घटा दो, दिक्कत है फटाफट। तो कितना हो रहा है मेरे पास? कितना बच रहा है? 9 9, और यहाँ पर गया हमारे पास 2 में 119, है ना? अब 19 घटा 6 से, 11 से डिवाइड दो। ठीक है, ये रेकरिंग वाला बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्या सिखाए थे रेकरिंग में? रेकरिंग दोनों घर के साथ है, दोनों घर के जब साथ रेकरिंग क्या करेंगे हम लोग कि सर इसमें 3 माइनस कर लेंगे। पहले हम लोग 3 6 में इसमें 3 माइनस कितना लगा रहे? 3 6 5 बाय 2 को 9 आया ना, 2 पे रेकरिंग है माइनस, ये 2 घर के पे रेकरिंग है, नीचे 99 होगा। अब इसमें 2 माइनस करो तो 277। अब आंसर विल बी आउट है, अब कुछ नहीं करेंगे, सीधा इसका डिफरेंट करो, तो 15 में चलेंगे कितना बचेगा हमारे पास? तो 8 बचेगा, फिर गया 15 में 7, फिर 8 बचेगा, कितना आएगा? 88। यानी रेकरिंग विल बी 88/99, रेकरिंग विल बी 0.88, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ठीक है, देखते हैं। आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखने क्या कर जाएगा, ये 2 2 कट गया, 2 आया, तो ये कितना हो गया? ये 6 हो गया, और 6 में गया 3, 9 हो गया, ऊपर में 9 आया, नीचे देख लेते हैं एक बार, ये 2 से गया 3, ये 3 3 कट गया, और 4 2 6 ऑप्शन नहीं है, तो टाइपिंग मिस्टेक होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं, यहाँ पे ठीक है। ठीक है, अब डिवाइड कर ले इसको, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मस्त क्वेश्चन था।
इस चीज के क्वेश्चन को और भी संग्रह बनेगा, यहाँ पे माइनस कर लो, 7 से 5 12 में गया, 2 9 9 सभी में आगे में है, सब में 9 है, इसमें नहीं है, तो पहले खत्म हो गया, 3 से 9 बचा। अब यहाँ पे देखो एलसीएम, देखो 3 5 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थोड़ी है ना। इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, इसको क्या करेंगे, डिवाइड का क्वेश्चन है, क्या है डिवाइड का क्वेश्चन है, इनके साथ डिवाइड है, इनके साथ डिवाइड है, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पॉइंट से क्या होगा, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ गुणा, गुना करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 1/1 वाट, ये नीचे आ जाएगा, हाँ वाट क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये कट गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कट रहा है क्या, दो मार लेते हैं इसको, 2 8 और 2 4 छत्तीस से कट रहा है क्या, 36 दिन, कितना बार में 36 दिन वहाँ तक, 26 दिन 24 दिन 12 कैसे होगा, ये कट जाएगा ना, ये आंसर का बिल्कुल सही है, ये कट जाएगा 12 12 में, ये 12 by 0.02 ठीक है, खत्म हो गया। इधर आगे बढ़ते हम लोग, इसको ये तो आसान सा था, अब किसी के हाथ में अगर 3 यहाँ पर 0 है तो मैं जाहिर सी बात है 3 है और इसका एक और बढ़ जाएगा, इसको हटाएंगे तो और बढ़ जाएगा, यानी इसमें कितना हमारे पास 4 हो जाएगा, तो 4 0 है, तो जाहिर सी बात है नीचे का पावर जो हमारे पास 4 हो जाएगा, तो -4 किसमें है, इसमें एक ओनली 1 चीज, ठीक है, सभी को अच्छा लगा होगा, एक बार फिर से किसी को दिक्कत से समझा देते हैं, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो बोलना हमको, यहाँ पर ये फटाफट कर लोगे, यहाँ पे ऑलरेडी है 3 2 0 है, 1 0 इसका और बढ़ेगा 3, तो पॉइंट 3 घर के बाद ऑप्शन नंबर आउट, इसमें क्या सीखा है, पहले यहाँ पे डिवाइड माइनस कर लोगे, ये 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है क्लियर। अब ये 2 से 2 गुना में कट गया तो आश्चर्य कटा कैसे, यहाँ पर देखो जैसे ही 2 को भागा में लाएंगे ये यहाँ हो जाएगा, तो 2 गुना फिर ये 7 2 हो गया, इस प्रकार से ये 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर काट दे रहा है इसलिए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना बच गया मेरे पास, ये 20 में गया 5, तो 15 बचा, 15 गुना 5 माइनस 25 को डिवाइड करेंगे, 199 माइनस करेंगे, माइनस 199 और 10, तो माइनस 189। इसी प्रकार से यहाँ पर चार्जर 16 16 में काटेगा, तो 16 का 11 बार में कट रहा है, ये 11 बार में कट रहा है, 11 में घटाएंगे 25 तो कितना 14 बचेगा, 14 में घटाएंगे 33 तो कितना 19 बचेगा, 19 घटाएंगे 11 बचेगा, 11 से काटेंगे 11 4 4 44 44 वैल्यूबल है। अब रेकरिंग क्या होता है सिखा देंगे, जितना पे रेकरिंग लगा हुआ है उतना नीचे 9 लगाएंगे, तो क्या रेकरिंग 2 घर में लगाया, 2 डिजिट पे लगाया है तो 2 डिजिट पे 2 9 आएगा, और जिसपे नहीं है उसको हम लोग माइनस कर देंगे, यहाँ पर 3 इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 65 माइनस का माइनस, इसी प्रकार से यहाँ पे 2 घटाओ इसमें कितना हो जाएगा 77 और रेकरिंग 2 88 को 2.2 करके पहले होगा, ऊपर में रेकरिंग का सिंबल वही पर दिया है, कभी कभी ऑप्शन इस तरह कराएगा, ठीक है। इस पे आ जाते सिखा देखिए कि पहले ये हो जाएगा 2 4 और 4 2 4 हो गया कितना हो गया 2 3 कितना हो गया 6 और 6 और 3 कितना हो गया मेरे पास 9 और फिर हमारे पास आगे देख लेते हैं हम लोग 6 3 कितना हो गया 9 हो गया, यहाँ पे काटेगा 3 3 कट गया, ये भी उसी टाइप सेम कंडीशन था, ये बटा में आएगा 3 और ये 3 3 कट जाएगा, ये दोनों लोग डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पर कट गया तो 2 और 4 कितना हो गया जोड़ने पर गुना का खत्म हो गया गुना तो हो गया 6, इसलिए ऑप्शन नंबर 3। इसी प्रकार यहाँ पर क्या बोले हम लोग, इसको करने का नियम कि 5 में 3 गया बचा कितना 2 और 2 और 7 कितना हो गया 9, तो 9 हो गया, बाकी हमारे पास बचे 2/3 2/5 1/4, इसका एलसीएम कितना हो रहा है मेरे पास 4 60। अब 60 लोग जाहिर सी बात है 20 किया 60 तो जाहिर सी बात छोटा आंसर तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। उसी प्रकार इसमें देख रहे ध्यान से हम लोग, तो सबसे पहले क्या है इसका हम लोग पॉइंट हटाए, तो यहाँ यहाँ कटा, इसको हम अपने जगह पर गुना के यहाँ पर वाट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही काटा इसको 2 बार में तो कटा 164 में, डिवाइड कहते हैं 24 बार में ये क्या हो गया हम लोग का आउट हो गया, जब 24 बार में ये आउट हो गया इसका ये क्वेश्चन इसका था, या नहीं होगा 9, ठीक है, ये क्वेश्चन इसका था तो 12, अब इसको काटा 2 12 हो गया कम्प्लीट, अब 12 का भागा नीचे कितना 100, तो 15 करके 12, ये 100 है यहाँ पर, एक छुटा हुआ है, ठीक है, तो 100
अगर 12 को डिवाइड करेंगे हम लोग, 12 मतलब डिवाइड होता है अगर 100 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 ठीक है। यहाँ पे वही किए हैं कि इसका हटाएंगे 0.0 बढ़ेगा, जो ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, अगर बटा के नीचे जितना 0 रहेगा घाट उतना माइनस पे लगेगा, 4 पे ऑप्शन इसी को, अगर नहीं होता तो ऑप्शन इसी को मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 3।